और यहाँ पे देखो ताई हमारा वेट कर रही है, मतलब ताई ले जा रही है सामान, तो हमने भी इसी तरह से ले जाना है आज, बिकॉज मम्मी लोग जा रहे हैं, दीपांशु भी जा रहा है। हल्की सी बारिश ने पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया और नुकसान कर दिया, तो ये देखो बिल्कुल फिसलने वाला खतरनाक हो रखा है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस नदी में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कपड़े धोने की दिक्कत आ रही है। बिल्कुल मस्त है वो, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? मनीष की यहाँ सर्विस कैसी है? अच्छी सर्विस अच्छी है, आग आग बिल्कुल फ्री में सेकने को मिल रहा है, मस्त है ना। देख लो गुड मॉर्निंग प्रणाम पहला मैं संतोष स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीएससी पहाड़ी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ कि सब लोग चंगे तगड़े आगे भी बढ़िया रहना। तो आज जो है मौसम देख पा रहे हो बिल्कुल क्लीन, एक ही दिन बारिश लगी और यहाँ पे देखो ताई हमारा वेट कर रही है, मतलब ताई ले जा रही है सामान, तो हमने भी इसी तरह से ले जाना है आज, बिकॉज मम्मी लोग जा रहे हैं, दीपांशु भी जा रहा है। दीपांशु हाय, दीपांशु लोग भी जा रहे हैं, करीना नहीं जा रही है, मम्मी और दीपांशु जा रहे हैं। तो अभी जो है सामान ले जाना है और आज धूप आ रही है मस्त, तो आज मस्त करके धूप सकेंगे और थोड़े बहुत कपड़े धोने हैं वो भी धोने हैं तो भी धोते हैं, तो फटाफट जो है सामान रखते हैं सर पे। तो गाइस फाइनली जो है रख लिया है इसको भी कंधे में एंड आगे से हमारी ताई जी बिल्कुल मस्त होके, ताई बिल्कुल दो दो कट्टे ले जा रही है खतरनाक करके, मैं तो एक ही कट्टा सक रहा हूँ, मतलब एक ही कट्टा उठा पा रहा हूँ वो भी ज़बरदस्ती। तो ताई आराम से, हाँ कल परसों बारिश लगी थी ना तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी कीचड़ हो गया, मतलब रास्ते तो साफ़ नहीं हुए, मतलब बारिश तो ज़्यादा नहीं लगी, हल्की सी बारिश ने पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया और नुकसान कर दिया, तो ये देखो बिल्कुल फिसलने वाला खतरनाक हो रखा है यहाँ पे। तो ताई देखो बिल्कुल संभल के जा रही आ रहा है आराम से, उनको तो आदत है, मैं जा रहा हूँ बिल्कुल जॉप जॉप करके, कहीं पर से फिसल गया ना तो देखो कहाँ जाऊँगा, सीधे घटेगाड़, वहाँ का नाम घटेगाड़न जी का नाम, सीधे घटेगाड़ जाऊँगा बिना रुके, शायद रुक सकता हूँ झाड़ियों के ऊपर, तो वो बात बात की है, फिलहाल चलते हैं आराम आराम से बिल्कुल जैसे ताई चल रही है। अथर ने यहाँ पे देख पा रहा हूँ खेत में बिल्कुल खतरनाक करके वाइट वाइट, यह है तुषार जो कि बर्फ का एक छोटा रूप होता है जिसको बोलते हैं पाला, देखो सारे खेतों में सब वाइट वाइट हो रखा है, यहाँ तक कि गेहूं के ऊपर भी अभी सारे जो है कड़कड़ हो रहे होंगे, मतलब हाथ लगाएंगे टूट जाएंगे इस तरह से, ये देखो वाइट वाइट, ये देखो पत्ते के ऊपर वाइट वाइट पड़ रखा है पूरा, ये पूरा जो है पाला होता है देखो कुछ इस तरह से। तो गाइस अभी हम चमतई धार के उगाओ चढ़ते हुए, मेरी हालत ख़राब हो गई है और ताई बिल्कुल खम करके टप टप जा रही है, और यहाँ से देखो तेल पैर पैर और यहाँ से खुटमुनी सब डर गया ना घम कर कपड़े वगड़ा बुझ, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फिसलन हो रही है यहाँ पे ताई के आगे आगे, ताई आराम से, पता चले ताई को संभालते संभालते मैं खुद जा रहा हूँ नीचे। पहले इस रोड में तो पहुँच चुके हैं, लेकिन ताई जो है अभी घर गई है, वहाँ पे सामने येलो वाला घर दिख रहा होगा तो वहाँ पे गई है, उनको लाने हैं लकड़ी, उनके भाई के मतलब बेटे का उनका भतीजा जो है ओर खाया कल, तो उसका नामकरण है कल, तो आज लकड़ी पहुंचाने उधर, तो ताई जो है लकड़ी लेने गई है, और यहाँ पे देखो कोई नहीं है, और मुझे जो है वहाँ पे कट्टे रखे हैं, कट्टों की देखभाल के लिए रखा गया है यहाँ पे, और कुछ लोग हैं वो अभी चले जाएंगे, मतलब ईटी ईटे ढूंढ रहे हैं तो चले जाएंगे, मैं अकेले हूँ यहाँ पे, और अभी दिनेश भाई लोग आएंगे तो फिर जो है मैं चले जाऊँगा यहाँ पर, तो उनको बोल दूँगा मैं देख लेना करके। तो अभी जो है ताऊ की गाड़ी भी वहाँ गई होगी, ताऊ की गाड़ी में जाना आज उनको, मम्मी लोगों को जाना है बागेश्वर उधर के रास्ते, तो जाएंगे ताऊ की गाड़ी में जो कि अभी उधर गजरे में गई होगी उस साइड में, तो दिनेश भाई तो जाते हैं करोड़ को, चलते हैं अभी, दिनेश भाई लोग आते हैं फिर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस मम्मी लोग तो आ गए हैं रोड में, रोड ये रहा, तो अभी जो है मुझे एक और कट्टा लेने जाना है, तो वो कट्टा अभी जो है फटाफट से पहुंचाते हैं फिर जाके मिलते हैं। तो फाइनली गाइस देख पा रहे हैं बूबू जो है यहाँ तक ला गए हैं, तो थैंक यू बूबू, तो अभी जो मैं रखता हूँ इसको। सो गाइस फाइनली जो है मम्मी लोग चले गए हैं एंड अभी जो है मैं भी घर पहुँच चुका हूँ, करीना देखो वहाँ पे, दादी लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो दादी कर रही है खाना खा रही है, पूरी खा रही है कल की बाजी पूरी खा रही है माँ, है सुंगाओ कहाँ ही खाना, ये सुंगाओ क्रंची पूरी, लेकिन ये बिल्कुल लेकिन ये अड़कसा हो गए हैं बिल्कुल, ये हो गए देखो मतलब बिल्कुल सील गए हैं तो अजीब ही हो गए हैं,
अभी मजा नहीं आ रहा इनको खाने में। तो गैस अभी जो है थोड़े बहुत कपड़े गंदे हो रहे थे मेरे, एंड अभी जो है जा रहा हूँ थोड़ा कपड़े धोने, बिकॉज इतने सारे कपड़े हैं और जूते वगैरह सब कुछ धोने हैं, एंड थोड़ा बहुत नहा भी लूँगा, मतलब नदी नहीं, आज नदी का मतलब स्वाद लूँगा किस लेवल की जो है नदी में ठंड हो रही है, तो आज देखना है। तो चलते हैं फटाफट से नदी में, फिर जाके मिलते हैं। तो फाइनली गाइस नदी में तो पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कपड़े धोने की दिक्कत आ रही है कि कहाँ पे धोएं, कहाँ पे बैठ के देखते हैं। यहाँ से हट जाना बेकार है, तो यहाँ पे एक पत्थर दिख रहा है ये वाला, तो इस पे इसको थोड़ा साफ करके बाकी तो सारे कपड़े धोने हैं, तो फटाफट से कपड़े धोते हैं और नहाना भी है, तो देखते हैं कितना ठंडा हो रहा है पानी। चेक चेक, ओए होए, वैसे मज़ा तो आएगा लेकिन ठंडा बहुत है पानी, ठंडा बहुत है, बट ओए शिट, ठीक गया। फटाफट से जो है बाल्टी में पानी निकाल के कपड़े को भिगाने डाल देते हैं, एंड फिर नहाते हैं मस्त करके। तो जो है बाकी यही है, और जूते वगैरह इतने सारे हैं, मतलब दो जोड़ी के जूते हैं और इतने सारे कपड़े हैं, सर्फ वगैरह ख़त्म हो जाए बस। अभी चलते हैं, अभी कुछ पहनने के कपड़े ला रहा हूँ, उनको यहीं पर रख देते हैं। सो गाइस फाइनली जो है तुम्हारे भाई के कपड़े धुल गए हैं, एंड ये देखो, एंड जो एक बाल्टी फुल कपड़े धो दिए हैं, एंड दो जोड़ी जूते और बाकी वहाँ पे पहनने वाले कपड़े थे, और मैंने भी जो है फाइनली नहा लिया है। अब जब भूख भी लग गई है, एंड अब फटाफट से जो घर चलते हैं, बिकॉज इतने सारे कपड़े ले जाने हैं, पता नहीं कैसे ले जाएंगे, मतलब लाते समय इतने भारी हो रहे थे, अभी तो गीले हो गए हैं पूरे, तो अभी और भारी हो गए होंगे, तो फटाफट जो है। और पानी भाई इतना ठंडा हो रहा था ना, मतलब दो डुबकी लगा रहे, दो डुबकी में मतलब मैं जैसे पानी के अंदर गया ना तो कवरी गया, मतलब बिल्कुल दिमाग में तो होश ही नहीं रहा भाई। अच्छा वह साइड में आ गया था, तो मतलब जैसे बाहर निकला तो ठंड नहीं लग रही थी बिल्कुल, मतलब जैसे पानी से बाहर निकला तो इतनी मतलब गर्मी भी नहीं हो रही थी, मतलब कुछ नहीं हो रहा था, मतलब पानी से बाहर निकल मुझे लगा ठंड होगी, तो हवा चल रही थी बहुत तेज, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो फटाफट से जो है धो दिए है जूते कपड़े वगैरह सब धो दिए है, तो चलते हैं फटाफट से घर। सो गाइस फाइनली जो है पहुँच चुके थे घर, और अभी दादी देखो, अम्मा हाय, तो अभी अम्मा देखो मैंने कपड़े धो दिए थे साफ करके, और दादी अभी सुखाने डाल दी है, तो मस्त करके जो है दादी सुखाने डाल रही है कपड़ों को, तो दादी इस कपड़ों को सुखाने डालती है, तो उन लोगों ने तो खा लिया खाना, तो मैं फटाफट जो है खाना खाता हूँ, बिकॉज नदी में नहाने के बाद ना भूख लग जाती है। तो मैं नहा के तो आ गया, और अभी जाता हूँ खाना खाने, और वहाँ पर देखो अम्मा लोग, और आज जो है बिल्कुल ख़तरनाक धूप आ रही है बिल्कुल मस्त वाली, देखो सूर्य देव यहाँ पे और मस्त व्यू पार्क का, और अभी यहाँ से कुछ इस तरह का मिल रहा है व्यू। नहीं सूखो, दादी बोल रही कि आज नहीं सूखेंगे कपड़े, तो अभी जो है मैं भी खाना खाता हूँ। तो फाइनली किस खाना वगैरह हो गया था, और अभी हमारे पवन भाई हम वहाँ पे मिले थे, तो अभी जा रहे नहीं कि यहाँ मतलब वीडियो अपलोड करने, तो वाईफाई है इधर, मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब यहाँ को नेट नहीं चलता, तो इसी तरह से जो है वाईफाई लगा कर ही लोग जो है नेट चलाते हैं, और पवन भाई का डॉगी स्वागत के लिए आ गया है। अभी करते हैं वीडियो अपलोड, शादी वाली वीडियो अपलोड करनी है, वो आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो नीचे चैनल खोल के देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगी बिजनौर की शादी वाली वीडियो है, तो देख लेना उस वीडियो को। अभी जो है वीडियो अपलोड हो गई है, एंड अभी आ रखे थे थोड़ा थोड़ा सा मनीष के यहाँ, बिकॉज धूप वूप तो चले गई, और हमारे अम्मा लोग, अम्मा हाय हाय हाय। तो गाइस आप लोगों को एक चीज़ दिखाना है, ये देखो पावर ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ों की पावर, इतनी पावर है इसमें, आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ पे पेड़ नहीं है वहीं से जो है सबसे ज़्यादा टूटा है, देखो यहाँ पे जो मनीष लोगों को टूटा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे पेड़ एक तो यहाँ पे कम टूटा है, और यहाँ पे देखो जबकि पूरा मतलब उस साइड से भी इस साइड से इतना अंदर टूटा है, इस साइड से भी जो इतना अंदर टूटा है, लेकिन यहाँ पर से नहीं टूटा है क्योंकि यहाँ पे दो पेड़ थे जो कि आधे काट दिए उन्होंने, लेकिन दोबारा से जो है पावर है, मतलब पावर है, मतलब पत्ते पत्ते आ रहे हो, और यहाँ पे इनका बाथरूम वगैरह था काफ़ी कुछ था, तो सब चले गए नीचे। अभी देखो वहाँ पे पेड़ इतने सारे, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, मतलब उस साइड को कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे इतने सारे पेड़ है, लेकिन यहाँ पे पेड़ नहीं है ना, देखो यहाँ पे तक पूरा टूट रखा है, यहाँ पे देखो इतना सारा टूट रखा है। अच्छी लोग लेके अब जगाएंगे सीधे सिलाई पाड़ेंगे आगे गएंगे। तो गाइस अभी जो है देख पा रहे हैं मनीष ने बिल्कुल मस्त मस्त आग जला रखी है, और बिल्कुल फीलिंग यहीं पे आ रही है आग वाली, लेकिन क्योंकि ठंड जो है बहुत हो रही है, ऊपर पर घाम है, धूप है, और पार साइड धूप है। अभी जो है यहाँ पे रोहित भाई और बिल्कुल कैरम
मस्त करके चल रहा है यहाँ पे। और चाय देखो, मनीष भाई बिल्कुल अपना धंधा चला रहे हैं आराम से। और बुबू लोग बिल्कुल मस्त है। बुबू कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? मनीष की यहाँ सर्विस कैसी है? अच्छी सर्विस अच्छी है। आग आग बिल्कुल फ्री में सेकने को मिल रहा है, मस्त है ना। तो अभी देखो ये बिल्कुल मस्त है यहाँ पे आके। अरे मनीष भाई का मेन धंधा है ये, इसकी वजह से मनीष भाई का थोड़ा बहुत धंधा चलता है। प्यार करके देखो ना, प्यार करके देखो ना। हमारे भाई लोग आज यहाँ पे बिल्कुल मस्त करके गाना ना चलाया और खत्म करके जो है रोहित भाई दगड़ी ऑफिशियल एंड अमर रेनू और मनीष भाई बिल्कुल मतलब पता नहीं किससे नाराज हो, क्या हो गया? अपने आप से नाराज है, अपनी बंदी भाग गई वापस आ गई, अपनी बंदी वापस आ गई। तो मनीष भाई खुश लग रहे हैं खतना करके, तो हम भी बिल्कुल मस्त करके आग सेक रहे हैं अभी, बिकॉज मेरे हाथ घर आ गए ना काले हो गए बिल्कुल, अभी हाथ सेकते हैं बिल्कुल मस्त करके काले हो गए थे यहाँ से। तो गाइस फाइनली जो है अभी पहुँच गए घर एंड अभी दादी देखो मस्त करके आटा गूंथ रही है और दादी का जो बल्ब जगा है ना ऊपर, क्या है तो मतलब खतरनाक वाली रोशनी दे रहा है। अभी देखो इसको बुझाऊंगा ना तो देखो कुछ नहीं दिख रहा भाई, मतलब दादी क्या कर रही है मतलब कुछ नहीं। और दादी को मैंने पूछा कि आपने ऐसा बल्ब क्यों लगाया है, अम्मा वो बल्ब थोड़ा अच्छा लगा दी ना वहाँ पे जो बल्ब लगा रखा है हाँ। वो थोड़ा अच्छा वाला क्यों लगाया? बहुत बल्ब लगा के लिए वो बल्ब के लिए लगा रहा है तो वो उजाला नहीं हो रहा है, वही तो उजाला नहीं हो रहा है इससे क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ नहीं दिख रहा तो बल्ब के लिए लगा रहा है बल्ब वो चांदी पे। तो दादी बोल रही है कि मेरे आंखों में जो चुभता है क्योंकि दादी का आंखों का ऑपरेशन हो रखा ना पहले, तो जो है ये हो रखा है। और अभी जो है दादी आटा गूंथ रही है तो हम भी करते हैं इस वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। और आप लोग सब कुछ करते हो लेकिन एक चीज़ नहीं करते, प्लीज़ अपने रिलेटिव में शेयर जरूर कर देना वीडियो को जो इस तरह से पहाड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं वो भी हिंदी लैंग्वेज में ताकि उनको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ जो है कर देना उनके साथ भी शेयर। तो चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम अमा बाय।